हेलो एवरीवन, आई एम नेहा फ्रॉम द क्राफ्टी फ्लेमिंगो एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट वे ऑफ डूइंग अ स्टेंसिलिंग ऑन एनी सरफेस, द करेक्ट वे ऑफ डूइंग अ स्टेंसिल। सो आई हैव अ पेपर, मैं आज पेपर पे करके दिखाऊंगी। सो दिस इज अ पेपर, वाइट पेपर, एंड दिस इज अ स्टेंसिल दैट आई हैव चोजन। सो लेट्स क्विकली चूज, आई एम टेकिंग द कलर on my plate. So I have taken little color and I am using the stencil brush. I am using the stencil brushes here. ये आपको online बहुत आराम से मिल जाते हैं and I am going to share the list of supplies in my description box with the links from where you can purchase these items. So the correct way, let's start with it. मैंने प्लेट में कलर ले लिया है, विच एवर कलर यू वॉन्ट। आई विल टेक द कलर इन द स्टेंसिल ब्रश, बट क्योंकि ये देखेंगे तो आप एक्सेस कलर होता है एंड विच ब्लीड्स आउट व्हेन यू डू अ स्टेंसिलिंग। सो इन दैट केस आप एक स्पेयर न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर या कपड़ा आप अपने पास रखेंगे। मैंने न्यूज़पेपर लिया है, कोई पुराना न्यूज़पेपर, और मैं एक्स्ट्रा जो कलर है आई विल जस्ट रब ऑफ ऑन इट। अगर मुझे लगता है ज़्यादा हो गया है, हल्का सा मैं उसको रब ऑफ करूँगी ऑन द न्यूज़पेपर एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग द स्टेंसिल। आप स्टेंसिल को पकड़ के रखें, मैं ये पेपर पे कर रही हूँ। अगर आप कहीं वुड के ऊपर स्टेंसिलिंग कर रहे हैं तो आप उसको मास्किंग टेप से स्टेंसिल को पेस्ट कर सकते हैं किनारों से, साइड से, सो दैट ये मूव ना करें। And the correct way, just do it this round. Move in circular motions. मैं आज दो कलर्स यूज करके ये स्टेंसिल, ये जो पेंट है कृष्णा का, ये पूरा करूंगी। सो गोल राउंड मूवमेंट्स करने हैं। डैब डैब करेंगे तो ब्लीड हो सकता है कलर, सो एक्स्ट्रा कलर जस्ट वाइप इट ऑफ, बिकॉज एक्स्ट्रा कलर रहेगा तो वो ब्लीड आउट हो जाएगा। आई एम टेकिंग द कलर फ्रॉम माई प्लेट देन रबिंग इट ऑफ एंड देन सर्कुलर मोशंस, डू इट इन अ सर्कुलर मोशंस। कुछ ऐसे भी करते हैं बट देन इन दैट केस अगेन यू हैव टू वाइप इट ऑफ, सर्कुलर मोशन में ज्यादा बेटर रहता है। मैं अभी इसको मूव नहीं करूंगी बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू अनदर कलर ओवर हियर, जो आई थिंक व्हाट शुड वी टेक, ब्लू। मैं ब्लू ले रही हूँ, थोड़ा सा ब्लू अपनी प्लेट में लेके, एंड देन आई एम यूजिंग द सेम ब्रश बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं है। वाइप इट ऑफ एंड देन बहुत आराम से डू इट इन अ सर्कुलर मोशन। जस्ट मेक श्योर आपका स्टेंसिल मूव ना हो। अगर मूव हो गया तो ये आपका जो स्टेंसिलिंग वर्क है वो खराब हो सकता है। सो सर्कुलर मोशंस में लाइक दिस एंड आई, मतलब दिस द राइट वे ऑफ डूइंग इट, वाइपिंग ऑफ द एक्सेस कलर ऑन एनी पीस ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर ले लो, कपड़ा ले लो, एनी ओल्ड क्लॉथ, वाइप इट लाइक दिस एंड डू इट इन अ सर्कुलर मोशंस। नाउ आई वॉन्ट टू एड सम येल्लो इन टू इट, थोड़ा येलो ले रही हूँ, बहुत हल्का, टेक आउट द एक्सेस कलर एंड आई वॉन्ट टू डू इट ओवर इट। सो लेट्स सी कैसे निकल कर आता है। आई एम रिमूविंग, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, कितने सुंदर तरीके से ये निकल कर आया है एंड
So I am planning. So how beautiful it is, right? So I am planning to fill the borders. The borders, I think I will use another brush and with yellow. थोड़ा bright लगेगा. So I'm taking the color on my plate, rubbing off the extra color, and I'm using another stencil. मैं corners में I will paste it. So मैंने इसको पकड़ लिया है, then I will do it in a circular motions. In case you are in a doubt, जैसे कि ये दो motifs हैं, बहुत पास-पास में हैं, and you want to use just the one motif. In that case, आप इसके ऊपर ये जो पास-पास के motifs हैं, क्योंकि इस पे भी color आ सकता है, so you just paste a masking tape over it. So in that ways, your project will be saved from spoiling if you have a doubt. I am doing it in a circular motions. The corners. Wiping it off and doing it in a circular motion. If you are using watercolors like this fabric, जो acrylic color है वो bottle वाला अगर आप use कर रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि वो थोड़े पतले होते हैं तो जो हमारा stencil से color है वो bleed out हो सकता है. So उसको बहुत अच्छे से वाइप करें, ज़्यादा ब्रश में कलर नहीं होना चाहिए. ट्यूब वाले कलर्स अच्छे रहते हैं स्टेंसलिंग के लिए, एक्रेलिक कलर्स, बिकॉज ये थोड़े थिक होते हैं. देन यू कैन वाइप इट ऑफ एंड डू इट नाइसली. सो द राइट वे ऑफ डूइंग द स्टेंसलिंग इज डन. आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा. इन केस यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन. और you can also visit my channel, the Crafty Flamingo, my YouTube channel. Please subscribe on my YouTube channel and like it and share it so that zyada se zyada log meri videos dekh sake aur sahi tarike alag alag cheezon ko banane ke dekh sake. And I will be mentioning the product details in my description box with the links ki kahan se aap ye cheeze purchase kar sakte hain. Right, so thank you so much for watching. Bye bye.